3 जून 1995 इस दिन हमारे देश में एक ऐतिहासिक घटना घटी और उसका गवाह पूरा लखनऊ शहर बना। जब हमारे देश में और हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारे देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। ये दलित समाज उसी रास्ते पर आ जाए, वो जो मोची का काम करता है मोची का काम ही करे। दुनिया के अंदर किसी का बेस बोर्ड सबसे ज्यादा मजबूत है तो मायावती का बेस बोर्ड है। दोस्तों, हमारा नाम अजय कुमार और अब देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल मार्कंडे ब्लॉक अजय। ऐसे हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सितंबर 1977 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और जनता पार्टी की नई सरकार बनी थी और जनता पार्टी ने जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस के स्टार अट्रैक्शन थे उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक के हीरो राजनारायण, वही राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं की रीट के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। वही राजनारायण जो 1977 में इंदिरा गांधी को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में 55,000 वोटों से हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें करने लगे, लेकिन एक गलती कर दिए। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने जनसमूह में काफी दलित नेता बैठे थे, लेकिन किसी ने उप तक नहीं की। इसके बाद लोगों ने अपना अपना भाषण खत्म किया और सबके बाद उस लड़की का भी नंबर आया जिसकी की उम्र थी उस समय मात्र 21 साल। और फिर उसने अपना भाषण स्टार्ट किया तो राजनारायण, कांग्रेस, जनता पार्टी सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा, इस समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक किस्म का अपमान है। और दोस्तों, इस लड़की का नाम था मायावती। मायावती जी ने यह भी बोला, हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का इस्तेमाल किया। राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करने की? इतना सुनना था कि सामने बैठी भीड़ में जोश जाग गया। लोग राजनारायण मुर्दाबाद और जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अपने ही बैनर के नीचे बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस में मायावती जी का भाषण सुनकर जनता दल के नेताओं की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। मायावती जी जैसे ही अपना भाषण खत्म करके मंच से नीचे उतरने लगी, तमाम दलित नेता इकट्ठा होकर उनको बधाई देने लगे। और वहीं पे मायावती जी के ऊपर नजर पड़ी बाम सेफ पार्टी के कुछ नेताओं की, वही बाम सेफ पार्टी जो आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी बनी जिसके संस्थापक थे कांशीराम जी। 15 जून 1956 उस रोज दिल्ली के लेडी हॉर्डिंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज दुनिया मायावती के नाम से जानती है। उस समय इस बच्ची का परिवार दिल्ली की इंद्रपुरी में एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था जिसका मकान नंबर C27 के 2 कमरों के मकान में ही पूरा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम प्रभुदास दयाल जो कि एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे। प्रभुदास को 3 बेटियां और 6 बेटे थे, उनमें से एक बेटी का नाम मायावती था। मायावती ने स्कूल के दिनों में ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पहली बार जाना। मायावती जी के ऊपर एक जुनून सवार हो गया और जल्द से जल्द कलेक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही साल में उत्तीर्ण कर ली। उनका ऐसा जुनून देख मायावती जी के पिता भी चाहते थे कि मायावती कलेक्टर बने। मायावती जी ने अपना बीएड कंप्लीट किया और एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी, लेकिन उनका ख्वाब तो सिर्फ कलेक्टर बनना था जिसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करती थी। वो दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात में जाग जाग कर प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करती। घर के सब लोग खाना पीना खा के सो चुके थे और मायावती जी ने अपनी पढ़ाई शुरू ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सब लोग चौंक गए क्योंकि अमूमन इस समय रात में कोई भी रिश्तेदार आता नहीं था। दरवाजा खोला तो सामने बाम सेफ के एक नेता खड़े थे। मायावती बाम सेफ के दलित स्टडी सर्कल में भी सक्रिय जाती थी, इसलिए उस नेता को बखूबी पहचानती थी। लेकिन उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, मुड़े थोड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं, कांशीराम जी थे। घर वालों को पता चला कि उनके यहाँ कांशीराम आए हैं। कांशीराम भीतर आए और घर के मुखिया की तरफ देखा तक नहीं और सीधे मायावती जी से बात करने लगे और बोले कि इतना पढ़ाई करके क्या करोगी। मायावती जी ने जवाब दिया, सर मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि अपने पूरे समाज का भला कर सकूं। कांशीराम जी ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो, हमारे समाज के कितने लोग अधिकारी बने, क्या उन्होंने किसी का भी कुछ भी भला किया? क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ चलो, तुम इस मिशन का हिस्सा बनो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां पे दर्जनों कलेक्टर तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। मायावती जी को यह बात चुभ गई, उनके दिल पे लग गई। वो काफी दिनों तक इसके बारे में सोचती रही। उनको समझ में आ गया था उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं बल्कि उन मिशन के लिए काम करना है और दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। लेकिन मायावती जी की इस सोच से उनके पिताजी इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनके और प्रभुदास के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम कांशीराम और मिशन का साथ छोड़ दो और IAS एग्जाम की तैयारी करो या तो मेरा घर छोड़ दो।
मायावती जी को इस बात का पहले से अंदेशा था, इसलिए वो अपनी टीचरिंग की नौकरी से हमेशा कुछ पैसे बचा के रखती थी। और उस दिन हुआ भी वो कुछ ऐसा ही, वो गुस्से में उठी और उन्होंने बोला मैं अपना घर छोड़ती हूँ। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, अपने कुछ कपड़े रखे और पहुंच गई दिल्ली के करोल बाग बाम से एक दफ्तर। उस दिन के बाद मायावती जी ने कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। दोस्तों, मायावती जैसी महान हस्ती की कहानी एक भाग में खत्म नहीं होगी। अगले भाग में हम जानेंगे मायावती जी कैसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी, कैसे चुनाव जीती और वो चर्चित गेस्ट हाउस कांड भी जो पूरे देश को हिला के रख दिया था, और मायावती जी के अपमान को पूरा उत्तर प्रदेश और देश की महिलाओं ने अपना अपमान समझा था। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक बटन प्रेस करें, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमें और आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।